भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नए संसद में दाखिल होते ही स्पेशल सेशन में महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। महिला आरक्षण अधिनियम को पेश किया है, जो हम कह सकते हैं कि पारित होने की कगार पे है। और इस तरह बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही संघर्ष के लिए पूरा क्रेडिट भी सरकार ने या प्रधानमंत्री ने ले लिया है। इस बिल के जरिए से 33% सीट लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। जी, ऐसा कहा जरूर जा रहा है, पर सबसे खास बात तो ये है कि इस बिल में डेडलाइन यानी कि कोई तारीख नहीं है इस बात की कि पारित होने के बाद ये लागू कब होगा। तो क्या महिला आरक्षण बिल के पारित हो जाने से महिलाओं के संघर्ष को सफलता मिलेगी? अगर हाँ तो कितनी और कब? ऐसे ही कई और सवाल हैं इस बिल को लेकर, खास करके शब्दावली का जो इस्तेमाल की गई है। इसे आरक्षण अधिनियम का नाम ना देकर नारी शक्ति जैसे अवैज्ञानिक आइडिया से जोड़ा गया है। आज इस बहुत खास मुद्दे पे न्यूज क्लिक से चर्चा करेंगी महिला आंदोलन से जुड़ी हुई शायद देश की सबसे बुलंद आवाज बृंदा कारत, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं, जिन्होंने कई दशक पार्लियामेंट से सड़क तक महिलाओं की, उनके अधिकारों की हमेशा से आवाज उठाई है। बृंदा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नारी शक्ति अधिनियम कह के एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या आज के दिन? सिग्निफिकेंस बीजेपी के लिए है, क्योंकि अभी महिलाओं के बीच में बीजेपी की जो स्थिति है, महंगाई के चलते, बेरोजगारी के चलते और विभिन्न जो प्रॉब्लम्स है उसके चलते, महिलाओं का जो समर्थन बीजेपी ने सोचा प्राप्त होगा वो नहीं हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, ये रिजर्वेशन का मुद्दा। जी तो अभी ये सोचे है कि एक ही तीर से दो शिकार, एक तो ये करे कि महिलाओं को ये कहे कि भई हमने ये पारित कर लिया है, और दूसरी तरफ पारित करने के बाद भी ये लागू ना हो। क्योंकि ये लागू नहीं होने का मैं इसलिए कह रही हूं, पहले जो बिल्स थे ना उसमें ये कोई भी लिंक नहीं था सेंसस के साथ या डिलिमिटेशन के साथ। तो ये लिंक बनाने का मतलब ये है कि आंतरिक रूप पर डिले होगा और आंतरिक रूप पर ये खिसकता जाएगा। तो वो सोचते हैं कि एक ही तीर है, दो शिकार हुए या दोनों हाथ में लड्डू है, होने वाला नहीं है। अब लेकिन जो विपक्ष पार्टीज हैं, कई पार्टीज ने, लेफ्ट की तो ये डिमांड रही है न जाने कितने दशकों से कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो, तो जो भी ये बिल है क्या इसमें वो दर्शाता है, वो विजन है जो महिलाएं चाहती हैं? क्या इस बिल में कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं? ये बिल वही बिल है जो 2010 में हम लोगों ने पारित किया था। इस बिल में उस समय भी जो बहस हुई थी कि इसको किसी सेंसस या डिलिमिटेशन से लिंक नहीं किया जाए, क्योंकि ये बिल हिंदुस्तान में जो सीट आरक्षित होंगे महिलाओं के लिए, वो महिलाओं की आबादी के साथ कौन सी सीट पे कितनी आबादी महिलाओं की, उसके आधार पर ये नहीं होगा। ऑलरेडी जो तौर तरीके हैं आरक्षण के वो ही अपनाए जाएंगे। तो जो इस बिल में जो नई बात है वो यही है कि अभी इस बिल को सेंसस के साथ और डिलिमिटेशन के साथ होगा। डिलिमिटेशन का बहुत लंबा प्रक्रिया है, सेंसस तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। तो ये पूरा इसका अर्थ ये है कि ये अभी होने वाला नहीं है। तो ये इसका अर्थ है। साथ ही साथ ये कोटा विद इन कोटा का भी एक मुद्दा आया है बार बार इस बिल को लेके, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? इस पर भी बहुत मुद्दत से बहस हुई है और यही एक बाधा था इस बिल को पारित करने के लिए। जब 1996 में देवी गौड़ा जी ने ये बिल को लाए थे पारित करने के लिए, उस समय उमा भारती थी जो बीजेपी की एमपी थी, जिन्होंने पहले ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा का डिमांड किया था। और उस समय सबकी ये समझ थी,
एक्चुअली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम जहां तक लेफ्ट का सवाल है, ओबीसी कोटा के लिए मना करने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि संविधान में वो ऑलरेडी है। लेकिन ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो एक वर्टिकल रिजर्वेशन है, मतलब वो महिला पुरुष दोनों के लिए एक रिजर्वेशन है। अभी अगर हम लोग पंचायतों में देखें, या अगर हम लोग लोकल बॉडीज में भी देखें, स्टेट गवर्नमेंट का ये अधिकार है कि वो अपने समाज के, अपने प्रदेश के सामाजिक बनावट को देखते हुए वो ओबीसी रिजर्वेशन पंचायतों में अगर देना चाहते हैं, उनका पूरा अधिकार है। तो बहुत सारे प्रदेशों ने ओबीसी की रिजर्वेशन दी है। जहां ओबीसी की रिजर्वेशन है पंचायत राज में, वहां ऑटोमेटिक उन ओबीसी की सीटों में महिलाओं के लिए भी हॉरिजॉन्टल, मतलब ओबीसी रिजर्वेशन में, उस ओबीसी रिजर्वेशन में एक तिहाई रिजर्वेशन महिलाओं के लिए ऑलरेडी है, और वो एडजस्ट हो जाता है। अभी तो पंचायतों में 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, तो ये सब उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो महिला आरक्षण में भी ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन है कई प्रदेशों की पंचायतों में, जहां ओबीसी पुरुषों का भी रिजर्वेशन है। अब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में पुरुष ओबीसी के लिए कोई आरक्षण का मुद्दा है नहीं, ना कभी पहले था ना आज भी है। तो हम लोगों की ये समझ है कि जब ओबीसी की रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन होगा तो नेचुरली महिलाओं के लिए भी होगा, तो विरोध करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन उसके बहाना ना ये होगा ना वो होगा और बिल भी नहीं होगी, ये गलत जी जी हमने देखा जब भी महिलाओं का कोई मुद्दा आता है तो उसमें तमाम तरह की कंडीशंस, तमाम तरह के डिले टैक्टिक्स भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यही कह रही हैं कि इसमें जो कंडीशंस लग रही हैं कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन का इश्यू भी कहीं डिले टैक्टिक ना बन जाए, फर्दर डिले हो। अब एक बात बताइए प्रज्ञा, और कितना डिले होगा? अभी तो इसकी समय की तो कोई सीमा है ही नहीं। जो बीजेपी बिल लेकर आई है कोई सीमा नहीं है। तो पहले बीजेपी ये सवाल का जवाब दे कि आपने 2014 चुनाव से पहले वायदा किया कि नहीं कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाएंगे, आप 5 साल क्यों नहीं लेकर आए? जी आपके 5 साल न लेने के कारण 17वीं जो लोकसभा है इस समय, जिसमें केवल 14% है, अगर 2014 में ये बिल पारित होता जो उनकी वायदा, जो उन्होंने वायदा किया, तो आज 14% नहीं 33% महिलाएं होती। जी तो 2014 में वो नहीं किए, फिर 2019 के चुनाव में दोबारा उन्होंने ये कहा कि हम हर हालत में ला रहे हैं, 19, 20, 21, 22, 23, अब जब 24 आने वाला है चुनाव, अब अचानक उनको याद आ गया। तो ये नारी शक्ति नहीं, ये नारी के साथ धोखा है और नारियों के साथ गद्दारी है, मैं साफ शब्दों में कहती हूं। और हम लोग जो लड़े हैं इसके लिए, जो पंचायतों में महिलाएं लड़ी हैं इसके लिए, सबसे बड़ा धोखा तो उनके साथ है। आपको लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल सिग्नलिंग है? क्या महिलाएं देख पाएंगी कि दरअसल क्या हो रहा है, जमीन से क्या आवाज आ रही है? महिला तो जरूर समझ लेंगे, यहाँ तो महिलाओं के अपना अनुभव है ना, इतने साल लड़ लड़ के वो पहुंच गए थे 2010 में, जब वो बिल पारित हो गया राज्यसभा में, बहुत ऐतिहासिक दिन था वो। जी लेकिन उस समय भी स्पष्ट था कि अलग अलग पार्टियों में ऐसे लोग थे जो सबोटाज करने चाह रहे थे, राज्यसभा में पारित हुआ। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, पुरानी बिल्डिंग में जहां ये पारित हुआ, राज्यसभा और लोकसभा के बीच केवल 5 मिनट लगता है चलने में, लेकिन ये बिल 5 मिनट क्या,
ऑलमोस्ट 15 साल ये बिल राज्यसभा से लोकसभा तक चल नहीं पाए, क्योंकि बाधाएं जो थे पुरुष प्रधान समाज के जो राजनेता है वो कुछ ना कुछ बहाना करके ये अधिकार को, और मैं एक और बात कहना चाहूंगी आपकी इजाजत से, जी इसको केवल महिला, और जो बीजेपी ने ये बिल रखा है ना महिला अधिकार, ये जनवाद का अधिकार है, ये जनवादी प्रणाली को मजबूत करने का एक कदम है, ये केवल महिला अधिकार और महिला नारी शक्ति ये सब नहीं है। जनवादी प्रणाली कमजोर होता है जब महिलाओं की प्रतिनिधित्व इतना कमजोर है। जिस तरह दलित और आदिवासी समाज आरक्षण के आधार पर ये निश्चित है कि वो लड़े वो सीट, जी और हमारे देश की ये आबादी जो है वो इसलिए ये मेरिट का जो आर्ग्यूमेंट ये लोग करते हैं ना, जी एक तरफ हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, लेकिन पहले लोकसभा में केवल 24 महिलाएं थी, केवल 24। इस बिल का अब क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या ये एक एक कुछ दिन की एक चर्चा बन के टीवी चैनलों के जरिए से फिर मोदी की सरकार भूल जाएगी इसके बारे में, कोई और मुद्दा आ जाएगा? अगर ये पारित होता तो भूलने का कोई सवाल नहीं है, ये पारित हो जाएगा ये पार्लियामेंट में, जो मैं उम्मीद करती हूँ। तमाम त्रुटि तो है, हम लोग तो कहते हैं कि उस क्लॉज को डिलीट किया जाए, दो चीजें हैं, एक जी ये डिलिमिटेशन और सेंसस वाला डिलीट किया जाए, और दूसरी बात है जो इसका पूरा ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है, जी वहां तो बीजेपी का पूरा घोषणा पत्र लिखा गया है, हमने टॉयलेट भी बनाए, हमने गैस सिलेंडर भी दिए। भाई टॉयलेट और गैस सिलेंडर महिला आरक्षण के साथ क्यों आप जोड़ना चाहते हैं? और आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपको जो कहना है आप कीजिए, आप ये विवादित और क्यों बनाना चाहते हो कि सभी जानते हो गैस सिलेंडर का कितने परसेंटेज औरतें 1100 रुपया या 900 रुपया देकर गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन वो सारा कुछ भुलाने के लिए इस बिल के प्रियम्बल में इन लोगों ने डाल दिया। तो ये बीजेपी आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन कानून तो रहेगा ना। तो ये जी जो झूठे उन्होंने सब लिखे हैं, दावे किए हैं कि हमने क्या क्या किया, इस बिल में उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो ये डिलीट होना चाहिए। तो ये डिलीशन के साथ ये बिल पारित हो, हम लोग तो इसको पारित करने के पक्ष में हैं, और एक बार जब पारित होगा तब सवाल ये है कि कितने जल्दी इस बिल को लागू करने के लिए वो करना पड़ेगा। इसलिए अनिवार्य है कि सेंसेस और डिलिमिटेशन डिलीट हो, वरना इस बिल का क्या भविष्य होगा हम कह नहीं सकते। बृंदाकारी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। असलियत और सिर्फ घोषणा में क्या फर्क है, ये तो वक्त ही बताएगा। देखना यह भी है कि महिलाओं और विपक्ष की आवाज को क्या सरकार सुन रही है। आज की इस चर्चा को सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।